तो अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगला एग्जाम्पल काफी डिफिकल्ट है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये एरो साइन नहीं है, ठीक है ना, एरो साइन नहीं है, एरो साइन तो मतलब वो गलती से आ गया, ठीक है ना, इसे कहते हैं ना प्रिंटिंग मिस्टेक, आप जानते होंगे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये एरो नहीं है यहाँ पर ना, बस माइनस का साइन है। ऐसा दे रखा है लॉग 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 12 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 48 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 192 बेस 2 प्लस 16 उसका रूट दे रखा है, और 12 बेस 2 और 48 बेस 2 का लॉग मल्टीप्लाइड और प्लस 10, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं भाई, 12 जो है ना, 12 ठीक है ना, 12 जो है वो क्या है, वो 3 × 4 होता है, ठीक है सर, सही है ना। 48 क्या होता है, 3 × 16 होता है, और ये क्या होता है, 3 × 64 होता है, ठीक है सर, लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए ना। तो इस चीज को लिखते हैं, तो क्या लिखा है, लॉग 3 बेस 2, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय क्या, 48, 12 को क्या लिखा, 12 को लिखा 3 × 4 करके और लॉग बेस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 48 को लिखा 3 × 16 करके लॉग बेस 2, मल्टीप्लाइड बाय लिखा लॉग ऑफ 3 × 64 बेस 2 ऐसे करके ना, और प्लस 16, समझ में आ रहा, ऐसे करके लिख दिया जो अंडर रूट के अंदर चीज दे रखी है। अच्छा भाई देखो, लॉग ऑफ ए बी, अभी बताया ना आपको लॉग ए बी, तो कितना आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा आ जाएगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना लॉग 3 बेस 2 इस नंबर को अल्फा मान लिए, अल्फा, और यहां पर क्या आएगा, अल्फा लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 2, 4 बेस 2 तो बहुत ही सरल है, लॉग 4 बेस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन रहा है, प्लस 2, ये आ जाएगा अल्फा प्लस, ये क्या 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अल्फा प्लस, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, सही है ना, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है 64, तो 2 की अल्फा प्लस 6 आ जाएगा, और प्लस क्या है, 16 और है रूट में। अच्छा अब क्या क्या ध्यान से देखना ना, ये नंबर जो है, ये नंबर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है सर, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा ना। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, यहां पर लिख देते हैं, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और जब उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 आएगा, और क्या लिखा हो, और जो है अंडर रूट में 16 और लिखा हुआ, समझना, क्यों लिखा मैंने ऐसा, ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा जैसा जो है प्रकट हो जाए, ठीक है सर, नहीं तो नहीं होता, अगर आप किसी और में मल्टीप्लीकेशन करते तो ऐसा नहीं होता। अच्छा अब क्या किया, इसको जो थोड़ी देर के लिए p मान लो, ठीक है ना, तो p इंटू पी प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा का स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 16 आएगा, समझ आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब क्या किया, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो भाई रूट दे रखा था ना, रूट, रूट स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, वही नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4। तो ये जो तस्वीर है ना, ये जो फोटो है, ये बन रही अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4, ठीक है सर। इसके बारे में सोचते हैं, ये तो यही रहा, क्या रहा, अल्फा प्लस 2 रहा, लॉग 12 बेस 2 लिखा था ना अपन ने, ये अगले ही तो ब्रैकेट आ रहा था, तो ये नंबर जो है क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस 2 लिखा है, और ये नंबर क्या लिखा है, अल्फा प्लस 4 लिखा है, तो माइनस बाहर है अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 4 और क्या लिखा है, प्लस 10 लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा तो कट ही रहा है, दिख गया ऐसे डायरेक्ट दिख रहा, और ये 2 4 का कितना होता है, 8, तो कितना आ रहा है, 4 माइनस 8 और प्लस 10, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, कर लोगे उसके बाद नहीं, yes,